जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ताज़ा तरीन अपडेट लाया हूँ। चलते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी के कबीर नगर में कोविड 19 से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने पिता के शव को कंधा न देकर जेसीबी से उठाकर जमीन में दफना दिया। यह मामला संत कबीर नगर के परसा शुक्ला गांव का है। यहां राम ललित नाम के एक किसान बीमार हो गए। इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर ले जाया गया तो पता चला कि वे कोविड पॉजिटिव हैं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि राम ललित के तीन जवान बेटे और कई पोते हैं, लेकिन उनके बेटों को लगा कि पिता की शव को कंधा देने से कहीं उन्हें भी कोविड ना हो जाए और कोविड के कारण उनकी भी मौत ना हो जाए, लिहाजा वे किराया पर एक जेसीबी मशीन लेकर आए और इसकी मदद से उन्होंने अपने खेत में एक गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर यह मशीन अपने घर ले गए। उनके घर का रास्ता थोड़ा संकरा है, इसलिए वह जेसीबी मशीन जाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वह किसी तरह भी उनके घर तक आ जाए। तमाम मुश्किलों के बीच जेसीबी मशीन घर पहुंची। बेटों ने जेसीबी मशीन से ही अपने पिता के शव को चौपाई समेत उठवाया। बाद में पिता को जेसीबी से ही खेत में ले जाया गया। वहां बेटों ने पहले से खोदे गड्ढे में पिता को डालकर जेसीबी से ही उस पर मिट्टी भरवा दी। इसके बाद बेटों और पोतों ने स्नान किया। तब उन्हें तसल्ली हुई कि अब वे कोविड से नहीं मरेंगे। उनके एक पोते ने बताया कि दादा का अंतिम संस्कार इस तरह इसलिए किया गया कि कोरोना में ऐसा ही हो रहा है। अभिनेत्री अमृता राव को कौन नहीं जानता है। वह इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्रियों में से है। 2006 में अभिनेत्री शाहिद कपूर के साथ आई उनकी फिल्म विवाह ने लोगों को ज़बरदस्त प्रभावित किया था। उनकी इस फिल्म ने काफ़ी लोकप्रिय हासिल की थी। उनकी फिल्म का फेमस डायलॉग जल लेंगे काफ़ी ट्रेंड में आया था। इस डायलॉग पर कई मज़ेदार मीम्स भी बने थे। अमृता राय के किरदार पूना मेहमानों को जिस तरह पानी देती है, कहती है जल लेंगे। अमृता राय ने भी हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक मीम शेयर किया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया है।